द्वारका रामलीला महोत्सव के सातवें दिन पहले पूजा व आरती की गई। उसके बाद गणेश वंदना के साथ साथ रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। आज के मंचन में राम सुग्रीव मैत्री बालीवध और लंका दहन हुआ। द्वारका रामलीला महोत्सव को देखने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा पहुंचे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत व विधायक विनय मिश्रा अन्य अतिथियों को पटके पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, विधायक विनय मिश्रा ने हर खबर के तेज से सर क्या कहेंगे द्वारका रामलीला में आप आए और हम बात करें जिस तरह यहाँ लोग देखे जा रहे हैं हजारों की संख्या में। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम और बहुत बढ़िया लीला का आयोजन किया हुआ है। मैं पूरी कमेटी को, सुधा जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत सुंदर तरीके से सारा जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पीछे सभी मनोरंजन के कार्यक्रम भी पीछे देख रहे हैं, झूले और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये शो करता है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता, जो रामायण का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो अभी भी युवाओं के दिलों में बसा हुआ है। और मैं पूरी कमेटी को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से बढ़िया रामलीला का आयोजन करते रहें। सर दिल्ली में क्या कहेंगे द्वारका रामलीला की बात करें सेक्टर 11 की, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी हो रही है और द्वारका की बात करें तो उसमें भी काफ़ी काम मिल रहा है। देखिए, इस रामलीला से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और शुरुआत से मैं इनके कार्यक्रम में आता रहा हूँ और हर साल ये बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद जिस तरीके की जो मैनेजमेंट है वो देखने वाली है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई केओस नहीं है, कोई मतलब भागा दौड़ी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा मैनेज्ड है। और मैं पूरी टीम को बहुत बधाई दूँ, इतना अच्छा मैनेजमेंट इनका बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही बढ़ता रहे।